अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी गई है, उसके अंतर्गत स्कीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल, मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छी स्कीम है। इस दौरान हमारे जो युवा यूथ होंगे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि अग्निपथ या ट्यूर ऑफ ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसके रिगार्डिंग देश में कई जगह पर आर्म्ड फोर्सेज के एस्पिरेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि कई जगह पर एस्पिरेंट ने आग तक लगा दी। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ट्यूर ऑफ ड्यूटी में ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जिनकी वजह से भारत के जो डिफेंस एस्पिरेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी मांगे क्या है, और इसके अलावा ट्यूर ऑफ ड्यूटी के बारे में हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर क्या कहते हैं, जानेंगे इसी वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है जिसके तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पर भर्ती किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि उनके क्या होंगे पैकेज और आखिर कैसे अग्निवीर बन सकते हैं। अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और सेना में इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली भी आयोजित करेगी। इसके अलावा कैंपस इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। भर्ती के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12th पास युवा आवेदन करने के पात्र होंगे और साथ ही सेनाओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब केवल अग्निपथ स्कीम के तहत ही सेना में भर्तियां ली जाएगी और पूर्व की सारी भर्ती प्रणाली खत्म होगी और जो भर्तियां हुई है उनको भी रद्द किया जाएगा। भर्ती कुल 4 साल के लिए होगी और अधिकतम 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कमीशन पर रखा जा सकेगा। इस दौरान पहले साल में 30,000 से लेकर 17 साल तक 40,000 तक के पैकेज अग्निवीरों को दिए जाएंगे। इसके अलावा जोखिम राशन वर्दी और उपयुक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अपने 4 साल पूरे करने के बाद अग्निवीरों को आयकर से मुक्त 10.4 लाख की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का भी लाभ मिलेगा। 4 वर्ष की टेन्यूर पूरा करने के बाद उम्मीदवार को अन्य सामान्य नौकरियां भी कर सकेंगे जिसमें उन्हें असम राइफल CAPF में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा स्टेट ने भी ये डिक्लेयर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो भर्तियाँ होगी उनमें अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी और बाकी के स्टेट से भी ऐसी कुछ घोषणा होने की संभावना है। 4 साल के बाद उम्मीदवार रेगुलर कार्डर के लिए वॉलेंटियर भी कर सकेंगे। सेना में पद रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती भी दी जाएगी। ये तो बात हुई अग्निवीर स्कीम की, लेकिन अब एस्पिरेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण है, जो पहले की भर्तियां हुई थी जिसमें युवाओं ने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था उनके खाली एग्जाम ही बाकी थे, या फिर ऐसे युवा हैं जिन्होंने एग्जाम भी दे दिया था खाली उनका रिजल्ट आना बाकी था, और वो सारी की सारी भर्तियां अब रद्द कर दी गई है। अब केवल एंट्री अग्निवीर स्कीम के माध्यम से ही होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण, एस्पिरेंट और कई सारे पॉलिटिकल लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 4 साल के बाद आखिर युवा करेंगे क्या, 4 साल पूरे होने के बाद युवा फिर से बेरोजगार हो जाएगा, और कई नेताओं को ये लगता है कि युवा नौकरी नहीं मिलने के कारण सारे के सारे हथियारों से वाकिफ होगा और वो गैंगस्टर या टेररिस्ट भी बन सकता है जो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो कि कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 4 साल तक उन्हें सेवा देनी है और इसमें भी 3 साल तक सेवा देनी और 1 साल की उनकी खाली ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग में वो सीखेंगे क्या, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो वर्तमान में ट्रेनिंग दी जाती है उसमें कई सारी ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इस तरह से जाकर के 4-5 साल में एक सैनिक तैयार होता है, और अब आप 4 साल में उसे सेवा दे लेकर के रिटायर्ड भी कर देंगे तो वो किस तरह से काम करेगा। ये तो सारी बात हुई कि आखिर डिफेंस एस्पिरेंट इसके बारे में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मैं यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे से पूछें तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार करके इस अग्निपथ स्कीम को लागू करने के पक्ष में हूँ। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो रेगुलर भर्तियाँ हैं वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए, पर जो वॉलंटियर रूप से देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए अग्निपथ स्कीम होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इनरोल हो सकें और एक तरह से देश की सेवा कर सकें। बाकी एक तरह से सही है कि 18 साल से लगा करके 21 साल का जो देश का युवा है वो सेना में सेवा देगा तो एक डिसिप्लिन और वेल मेंटेन्ड युवा होगा जो समाज को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।